नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो क्लास 7 का 16 नंबर का नेचुरल रिसोर्सेस ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अब देखते हैं आज के इसमें, हमने कल के इसमें इंट्रोडक्शन देखा, आज हम बात करेंगे मिनरल एंड ओर्स क्या होते हैं। देखिए तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए कि ये मिनरल जो वर्ड है ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए जमीन है, अर्थ है, अर्थ के यहाँ का जो हिस्सा होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खुदाई करने के बाद या ऊपरी लेयर पे जो भी चीज़ें हमें मिलती है, सारी जो चीज़ें हैं ना वो मिनरल से ही बनी है। सारी चीज़ें मिनरल पे प्रोसेस करके सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब ये मिनरल्स एक्चुअल में है क्या? तो ज़मीन के अंदर हमें खोदने के बाद ऑयल मिलता है, ठीक है, गैस मिलती है, ठीक है, उसके बाद कॉपर मिलता है, उसके बाद जो है वो गोल्ड मिलता है, सोना मिलता है, उसके बाद डायमंड मिलता है। तो यह सारी चीज़ें क्या है? मिनरल्स ही है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? देखिए मिट्टी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर जो रॉक्स होते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जहाँ पे मेटेलिक मिनरल ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे मेटेलिक मिनरल का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है उसको ओर्स बोला जाता है। ओर्स क्या बोला जाता है? देखिए मिनरल जो है वो मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, एनर्जी वाले होते हैं, जैसे एनर्जी यानी जिसमें से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ऑयल है, गैस है, इसमें से हम एनर्जी बना सकते हैं। जो मेटल्स है कॉपर गोल्ड है इसको जो है वो मेटेलिक मिनरल्स बोला जाता है। जो डायमंड वगैरह होते हैं, डायमंड वगैरह जो है ना वो एग्जांपल है, डायमंड है, सल्फर है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल का जो है वो एग्जांपल है। तो ये आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मिनरल्स क्या है। तो मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसे एलिमेंट्स है जैसे हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि कॉपर है एलिमेंट्स है, गोल्ड है एलिमेंट्स है, तो ये एलिमेंट्स, या फिर डायमंड अगर है ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ऑयल गैस है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसको हम बोलते हैं मिनरल्स। कुछ मेटेलिक होते हैं, कुछ नॉन मेटेलिक होते हैं, कुछ एनर्जी वाले मिनरल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर मिनरल्स क्या है? अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? रॉक्स है। एक रॉक ले लिया हमने, तो रॉक्स के अंदर आपको कॉपर मिलेगा, कुछ गोल्ड भी मिल सकता है ऐसे। अब अर्थ के हर जगह पे अलग अलग प्रकार के रॉक्स हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, तो अलग अलग प्रकार के रॉक्स में, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में हमें जो है वो अलग अलग प्रकार के मिनरल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मिनरल्स मोटा मोटा समझ में आया। और ओर्स किसको बोला जाता है? जहाँ पे मेटल मिनरल ज़्यादा होते हैं उसको बोला जाता है ओर्स, यानी जहाँ पे कॉपर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, आयरन मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे ओर्स। तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि मिनरल्स क्या है। जो मिट्टी है, रॉक्स है, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको ही हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब वो मिनरल एलिमेंट्स भी हो सकता है, मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, एनर्जी वाला भी हो सकता है। तो मोटा मोटा समझ में आ गया। अब यहाँ पे पढ़ता हूँ और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए मिनरल्स वेल्थ हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग नेचुरल रिसोर्सेस। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है। और उसमें मिनरल भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है क्योंकि वो नेचर से हमें मिलता है, हम आर्टिफिशियली नहीं बनाते, तो इसी वजह से उसका भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस में मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गया? यानी नेचुरल रिसोर्सेस की जब भी हम बात करेंगे तो एयर, वाटर, सॉइल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जो है वो मिनरल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर फॉर्म बाय वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जो मिनरल्स है वो अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में प्रोसेसेस होती है, बहुत सारी है। कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी गर्मी हो जाती है, बारिश आती है, अलग अलग प्रकार के एटमॉस्फेयर में जो है वो अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं और वहीं से जो है वो मिनरल जो है वो हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। रॉक्स ऑन दी अर्थ। अब अर्थ पे जो रॉक्स प्रेजेंट है ऑनली मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो ये रॉक्स जो है वो रॉक्स किससे बना होता है? ये रॉक्स बना होता है मिनरल से। मिनरल्स यानी ये एलिमेंट जो हम देख रहे हैं, एलिमेंट्स है, चीज़ें अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, उसी को हम मिनरल्स बोलते हैं। और इस रॉक जो है उसी से बना होता है, यानी अगर रॉक्स की बात करें तो उसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल, दिस मिनरल कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग। और माइनिंग यानी जो खुदाई की जाती है अर्थ क्रस्ट में, जो खुदाई की जाती है, कुछ मिनरल्स हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं तो अंदर जो है वो खुदाई करके जो है वो मिनरल्स को एक्स्ट्रैक्ट किया जाता है। अब कॉपर कहाँ से आया, आयरन कहाँ से आया, तो ये अर्थ क्रस्ट से खुदाई करके उस पर फिर प्रोसेस किया जाता है और उससे फिर रॉक्स वगैरह मिट्टी है उसको जो है वो बाजू में करके वहाँ पे जो है वो मिनरल्स जो है वो एलिमेंट जो है वो बनाए जाते हैं। ओनली फ्यू मेटल्स लाइक एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनियम है, बिस्मथ ऑकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। फ्री स्टेट का मीनिंग क्या होता है? वो गोल्ड अगर है तो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं रहेगा। अगर वो मान के चलो कि किसी के साथ कंबाइन है तो उसको हम फ्री स्टेट नहीं बोलेगा। फ्री स्टेट यानी मुक्त। गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड का ही एलिमेंट वहाँ पे रहेगा। तो कुछ जो ओनली फ्यू मेटल्स, कुछ मेटल्स है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम, बिस्मथ ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर, यानी वो फ्री स्टेट में होते, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते,
यानी कुछ कुछ लोग होते हैं वो बिना शादी के रहते हैं, वो फ्री स्टेट में है, कुछ कुछ शादी करके रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, कुछ तपस्वी जो होते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं, वो अकेले रहते हैं, तो अकेला यानी फ्री स्टेट में रहते हैं, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। पर कुछ लोग शादी करके रहते हैं, तो शादी करना यानी कंबाइन, और जो शादी नहीं करते कहीं तपस्या करने के लिए चले जाते हैं वो फ्री स्टेट में रहते हैं, उनको कोई परिवार वगैरह नहीं रहता, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कुछ जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे क्रस्ट में अगर अर्थ में वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, अकेले मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम है, बिस्मथ है, ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑकर इन मेटल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, और जो कुछ मेटल्स है वो ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड यानी जो दूसरे के साथ कनेक्ट है। जैसे मैंने परिवार का एग्जांपल आपको दिया कि कुछ लोग शादी करके परिवार के साथ रहते हैं तो वो कंपाउंड, तो मेटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेटल हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं और कुछ जो है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। मिनरल दैट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल, अब ऐसा मिनरल जहां पे मेटल का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में मेटल है। देखिए मिनरल मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और एनर्जी वाले भी होते हैं, तो जहां पे मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा है उस मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। तो आपको ओर्स अगर किसी ने पूछा, देखिए मिनरल्स अलग अलग प्रकार के, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, एनर्जी वाले हैं, पर जिस मिनरल में मेटल का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है उसको बोला जाता है ओर्स। तो ओर्स यानी क्या होता है, जहां मिनरल्स में मेटल का प्रोपोर्शन जहां ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं ओर्स, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ओर्स, और इकोनॉमिकली हम क्या करते हैं वो जो मेटल्स है वो ओर्स में से जो निकालते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल बिकम क्लियर टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, अब कौन सा मिनरल है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है कि उसका कलर कैसा है, लस्टर कैसा है, उसमें हार्डनेस कैसा यानी चमक कैसी है, उसका हार्डनेस कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका क्लीवेज कैसे यानी उसमें दरारें है कि नहीं है, लकीरें है कि नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है मिनरल्स की तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनरल्स क्या है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको ये भी लिखा है Why all minerals are not ores? सारे के सारे मिनरल जो वो ओर्स क्यों नहीं होते? ओर्स वही होता है जिसमें मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और इसी वजह से सारे के सारे मिनरल जो ओर्स नहीं होते। अब कुछ मिनरल्स नॉन मेटालिक होते हैं तो वो ओर्स नहीं होंगे, कुछ एनर्जी वाले होंगे तो वो ओर्स नहीं होंगे। ओर्स में क्या हो, जहाँ पे मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है उसको हम ओर्स बोलते हैं। तो why all minerals are not ore? और इसी वजह से ores जो है सारे मिनरल जो ores नहीं होते। What is mean by metal, mineral and non-metal? जहाँ पे metal का proportion metal होता है present उसको metallic बोलते हैं, जैसे gold हो गया, copper हो गया, iron हो गया, और जहाँ पे metal present नहीं होता जैसे sulfur हो गया, diamond हो गया, तो इनको non-metallic minerals बोला जाता है। समझ में आ गया आपको, जैसे जैसे ये chapter आगे जाएगा वैसे वैसे आपको और clear होता जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने मिनरल एंड ores के बारे में समझने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें ये मिनरल जो है वो कैसे बनते हैं वो देखेंगे, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, तो और आपको जो है वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल बच्चों नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।